लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो टू है इसको भी जब एक्टिवा बोले
है। अब क्या करें, अब तो लेना तो माइनस का फाइव टू ठीक। अब देखना 2y 37 में से 5 के लिए जाता 32/2 32/2। अब क्या करेंगे, 37 से 5 जाएगा 32/2 बचा 2 2 2 जो 2 2 2 6 2 6 बोलो ठीक है 2y इक्वल टू 16। ये हो गया मेरा इतना सॉल्व करने के बाद में। अब वाई को भी क्या करेंगे, वाई को वैल्यू करनी है राइट। वाई इक्वल टू 16 है और वाई के साथ में कितना है और कौन क्या आएगा ठीक। तो कौन आ गया टू टू एंड द 16 वाई की वैल्यू ना है ने। अब चेक आपको करना है तो आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले इसको एक बार वापस बैक कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। 2y + 5/2 = 34 ये अपने पास इक्वेशन है। अगले ने अब करना क्या है, करना ये है कि 2y = 37/5 कहेगा माइनस आई अपॉन क्या लोग आए से करेंगे हो गया कुछ तो बच्चा और नहीं पुआ रहे और जब तू वन टाइम तो क्या लेते हैं इसको आज जल्दी चलते हैं माइनस का आगे माइनस करेंगे फिर इसको कुछ तो बच्चा और नहीं पुआ रहे वन टाइम वन तो क्या लेते हैं ऐसे बच्चे रहे आई वन राइट वन से तो वही इसे कर तू रत्ती से उनको वन से बच्चे रहे तो रत्ती सेवन माइनस एफोर्ट तो हम करेंगे अपॉन वही का वही और इक्वल का 37 जो पाई के आइटम को कि 2 बच्चे को अपॉन 200 2 2 सीधा वैल्यू क्या है कि 2y = 16 वैल्यू किसके लिए आनी है वही की वही की तो 16 अपॉन 200 2 200 ठीक वही की क्या है। अब उसको चेक कर लेते हैं, पहले लेते हैं चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं, ये एड रिजल्ट आ रही है वो सही है या नहीं सही करने पर हमें किसान दे कितना पता चलेगा सही है, हमें पता चलेगा कि अपने को इसको सॉल्व करने में भी याद रखना इधर वाले का बराबर इसकी ये और ये दोनों इक्वल आ रही है। LSH और RSH दोनों इक्वल आएंगे तो समझ जाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन हमने जो किया था वो सही हो गया। ओके मैम वाई की वैल्यू क्या है कहते पर क्या था इसे प्लस एट अपॉन टू इक्वल टू 37 कर रहे हैं कर रहे हैं चेक कर रहे हैं ठीक है। तो टू वाई वाई की वैल्यू क्या लगा एट का लगा ये एट है ये वैल्यू मतलब क्या है प्लस एट अपॉन टू इक्वल टू 37 अपॉन उनको एक्सपेक्ट कर रहा ग्रोथ टू एंड लास 16 प्लस 55 अबाउट कितने और इक्वल टू 37 अबाउट ओके। अब क्या करेंगे ये देखो बच्चे में है ना तो ये नहीं कंपेयर है इसको ऊपर लगा दो चलो एचसीएल 1 की टेबल के वाला तो आ जाए तो दोनों जाओ और प्लस 2 ऊपर तो हम क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का प्लस कर दो 2000 को 100 और को 5 से मल्टीप्लाई करें 16 टू द 32 प्लस 5000 भाई रुका ये क्या है 37 को याद रखो 32 प्लस 5 का 37 32 और 5 क्या है बेटा 37.2 यानी क्या है 37 राइट साइड सॉल्यूशन और लेफ्ट साइड सॉल्यूशन लेफ्ट साइड सॉल्यूशन राइट साइड सॉल्यूशन दोनों का इक्वल मान आया नहीं है ये भी इक्वल आई थी
इसका मतलब हमने जो रेडिएटेड एनर्जी है ये लाइट है, ओके। आगे एक और बात देखते हैं, पाइप ए प्लस का 20 एक्स इक्वल टू 10, पाइप ए प्लस 20 एक्स इक्वल टू 10, तो पाइप ए का पाइप ए बना 10 है, ये 20 एक्स उसके 10 के पास रहेगा, कितना आएगा माइनस 10, ठीक है। तो 5 के 10 में से 20 ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 18, तो किसकी निकालनी है, माइनस का 18 अपॉन 5, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यह क्या आएगा माइनस 76 है, इसको सही है या गलत है, 76 है। 5 के प्लस 20 एट इक्वल टू 10, तो 5a, 5a के लिए क्या है, 5 के लिए हमने बस यही देखी, 5 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 8 प्लस 28 इज इक्वल टू 8, ठीक है। देखना 5 को 18 मल्टीप्लाई करो, माइनस का 18 अपॉन 5 क्या है, यहाँ पर माइनस करो, फाइव आ गया, इसका इक्वेशन निकालो, फाइव वन का फाइव माइनस 19 प्लस फाइव वन का फाइव एक्स में माइनस करो, इक्वल हो जाएगी फाइव पर एक्स में, वो आएगा अपने पास 40 इक्वल टू 140 में से 10 जाएगा, क्या बचे हो ना 100 माइनस 12 से 140 जाएगा, बचेगा 105 माइनस 105 आगे फाइव इन द फाइव फाइव इन द टेन और फाइव फोर द 20 तो गाइस करो चेक करो आगे के आगे इससे समझ और कुछ हम करते हैं आगे कर इसका जो हम कुछ हम देखेंगे तब तक